हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार भारद्वाज एंड दिस इज पार्ट 21 ऑफ फॉक्सपो ट्यूटोरियल सीरीज। सो गाइस, हम इस ट्यूटोरियल में फाइल के डिफरेंट यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फॉक्सपो में क्रिएट किए गए बहुत सारे डेटाबेस फाइल, डेटाबेस टेबल और डिफरेंट प्रकार के फाइल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ फाइल्स ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। वैसे ही अगर हमें किसी एक फाइल के अंदर के कंटेंट को किसी दूसरे नए फाइल के अंदर स्टोर करना होगा तो इसके लिए हम कॉपिंग द फाइल वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें किसी भी फाइल के नेम को चेंज करके उसे कुछ नया नाम देना होगा तो उसे हम आने वाले नेक्स्ट रीनेमिंग द फाइल ट्यूटोरियल में देखेंगे। और अगर हमें किसी भी प्रकार के डेटाबेस फाइल या डेटाबेस टेबल या किसी भी प्रकार के फाइल्स को डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम डिलीटिंग द फाइल्स वाले ट्यूटोरियल में इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके बारे में डील करेंगे। सो गाइस, ये ट्यूटोरियल केवल बेसिक डिटेलिंग के लिए था कि इसमें कौन कौन से फाइल की यूटिलिटीज हैं जिसे हम आने वाले अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।